अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री निवास पर लोग पहुंच रहे थे ये पूछने के लिए कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल, शरद रेड्डी को बेल और 55 करोड़ का भाजपा का खेल ये क्या है। जो लोग भी अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यक्त करते जा रहे थे, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया, चारों तरफ से घेर करके सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, महिलाओं को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया, पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में हम छुप जाएंगे और हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन रुक जाएगा, गलतफहमी में। ये लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है, ये आवाज पूरे देश के अंदर पहुंच रही है। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी दबी जुबान से एक ही बात कह रहा है कि यह गिरफ्तारी गलत हुई है। पार्टियों के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके तानाशाह सरकार ने जो संदेश दिया है कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते, इसके खिलाफ जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची, लोग वहां इकट्ठा होना शुरू हुए, जितनी संख्या में लोग पहुंचे उससे कई गुना ज्यादा फोर्स लगा करके पूरा मुख्यमंत्री आवास छावनी में तब्दील कर दिया गया। अगले दिन इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे, पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी गई, आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। जो लोग भी अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यक्त करते जा रहे थे, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया। अगले दिन जब लोग शहीदी पार्क पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस पर शहीदी पार्क पहुंचे संकल्प लेने के लिए, उसको सील कर दिया गया, वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रधानमंत्री निवास पर लोग पहुंच रहे थे ये पूछने के लिए कि आखिर चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल, शरद रेड्डी को बेल और 55 करोड़ का भाजपा का खेल ये क्या है, इसका जवाब इस देश के प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। चारों तरफ से घेर करके सारे कार्यकर्ताओं को, सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, महिलाओं को घसीट घसीट के गिरफ्तार किया गया, पूरे दिल्ली को आज पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र की सरकार, केंद्र के मंत्री, देश के प्रधानमंत्री अगर ये सोचते हैं कि पुलिस की आड़ में हम छुप जाएंगे और हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, आंदोलन रुक जाएगा, गलतफहमी में। इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से लोग मोहब्बत करते हैं, और आपने जिस तरीके से फर्जी केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है उसका पूरा सच आज देश के सामने आ चुका है, जिसके गवाही के आधार पर आपने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, उसको बेल मिल गई और आपके खाते में 55 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए, आपका खेल हो गया। ये नंगा सच आज पूरा देश देख रहा है। आप
जिस तरह से पूरे दिल्ली के अंदर 144 धारा लागू करके आज ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस स्टेट बन गया। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई, ये आंदोलन आपके पुलिस के दम पे रुकने वाला नहीं है। ये आवाज पूरे देश के अंदर पहुंच रही है और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा जो अगला टारगेट है वो 31 मार्च रामलीला मैदान की इंडिया गठबंधन की महारैली, जिसमें पूरे देश से इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लीडर्स उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली के लोग लाखों की तादाद में रामलीला मैदान 31 तारीख को 10 बजे पहुंचेंगे। उसकी तैयारी के लिए आज से हमने अपनी रणनीति शुरू कर दी है। अगले 31 तक हम लोगों के बीच में जाएंगे और इस तानाशाही के खिलाफ रामलीला मैदान में आकर के शांतिपूर्वक अपने आवाज को बुलंद करने के लिए आह्वान करेंगे। इसके लिए आज दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी विधायक, सभी पार्षद, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और बूथ के पदाधिकारियों के साथ आज रात तक हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में महारैली की तैयारी बैठक को पूरा करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कल दिल्ली के अंदर सभी 2500 से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं, उन 2500 जगहों पर कल विधानसभा के पदाधिकारी और हमारे विधायक और पार्षद जा करके वहां पर जनता के साथ 31 मई के लिए तैयारी बैठक करेंगे। 28 मार्च से हर मंडल की टीम पर एक प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है, यानी कि 2600 प्रभारी हम नियुक्त कर रहे हैं हर मंडल पे एक प्रभारी रैली के लिए। और ये 2600 जो प्रभारी हैं ये वहां मंडल पे टीम बना करके 28 मार्च से घर घर जा करके रामलीला मैदान में लोगों को आने के लिए आमंत्रण देंगे। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जितने छात्रों के, युवाओं के, मजदूरों के, किसानों के सामाजिक संगठन हैं, RWA हैं, व्यापारी संगठन हैं, उन सब लोगों को इस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में रामलीला पहुंचने के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है। और सबसे हमारी अपील है, क्योंकि आज अगर ये तानाशाह सरकार अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, तो कल इस दिल्ली के अंदर कोई नहीं बचेगा जो आवाज उठाएगा। इसलिए आज ये लड़ाई एक व्यक्ति, एक पार्टी, इंडिया गठबंधन की नहीं, इस देश में संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई बन चुकी है। इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जो संविधान और लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं, वो इस रैली में शामिल होने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। इस पूरी तैयारी के लिए हमने अपने मंत्री और विधायकों में से ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं, जो अलग अलग विधानसभाओं में जा करके इसकी तैयारी की समीक्षा कर रहे हैं, इसकी निगरानी रखेंगे। इस रैली की तैयारी के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, जो इस पूरी तैयारी की ग्राउंड पे जो है इसको निगरानी करेंगे। और हमें भरोसा है कि इस बार 31 मार्च का दिन रामलीला मैदान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा और रामलीला मैदान से इस तानाशाही के खिलाफ जो आवाज उठेगी, ये आवाज पूरे देश में पहुंचेगी। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। क्या मकसद लगता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक रूमर फैलाया जा रहा है
देखिए कई तरह की बातें चल रही थी। अधिकारी ने नोट जारी किया है कि मुख्यमंत्री जी के जेल जाने के बावजूद सरकार चलती रहेगी वैसे ही जैसे चल रही थी, और जो भी जनता के काम है वो काम वैसे ही होते रहेंगे। सर, आप बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है, और दिल्ली सचिवालय के पास लगातार उनका प्रदर्शन जारी है, बीजेपी के आरोप पर क्या कहना है आपका? बीजेपी का क्या आरोप है? बीजेपी ने क्या आरोप लगाया? बीजेपी इस्तीफा मांग रही है। किसका? मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री ने अभी विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल किया था, तो मुख्यमंत्री के साथ तो पूरी विश्वास मत पूरी तरह से है, तो जिसके पास पूर्ण बहुमत हो और पूरा विश्वास मत हो उसका इस्तीफा आज तक तो कभी हुआ नहीं।